और लखनऊ से बड़ी खबर है जहां उत्तर प्रदेश को जल्द ही नया प्रभारी मिलेगा। बीजेपी महीने के आखिर तक का नियुक्ति कर सकती है। यूपी के नए प्रभारी की नियुक्ति की जा सकती है। राधा मोहन सिंह की नवंबर में नियुक्ति की गई थी। राधा मोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। प्रभारी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चर्चा तेज है। साथ ही साथ गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल की भी चर्चा है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा तेज है। यूपी में जल्द ही चुनाव प्रभारी सह चुनाव प्रभारी जो है वो तैनात किए जाएंगे। दो सह चुनाव प्रभारी भी तैनात किए जाएंगे। दिसंबर के आखिरी तक यूपी को प्रभारी नया मिल सकता है। प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह का कार्यकाल जो वो पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम की चर्चा तेज है। इनके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का नाम भी चर्चा में चल रहा है और जल्द ही चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी जो है वो तैनात किए जाएंगे। जिम्मेदारी तय होगी और उसके बाद से 24 का चुनाव कैसे लड़ा जाए, तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके कंधों पर रहेगी। खबर पर सारा जानकारी के साथ निखिल हमारे सुनाता फोन लाइन पर कनेक्ट है। निखिल, राधामोहन सिंह का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। जिन नामों की चर्चा तेज है उनमें अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे। चलिए निखिल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताया कि राधामोहन सिंह की नवंबर में नियुक्ति की गई थी लेकिन अब उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका और इसके बाद से नए प्रभारी जो है वो बनाए जाएंगे। लखनऊ से खबर है सीएम